क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे तुमको। पुष्पा जी आप ठीक है? क्या हुआ, कुछ अटक गया क्या गले में? हाँ, क्या कर रहे हो, बताओ क्या हुआ? क्या हो गया पुष्पा जी, क्या हो गया? हाँ? कटहल खाली है, मारिया पीठ पर। हम ठीक है, ठीक है। हंसने वाला वीडियो देखा ना, तो गले में जो सुर है वो फंदा लग गया। गले में फंदा लग गया था। हाँ, यही करती रही है आप पूरा दिन, काम कब करेंगी? काम पे ध्यान दीजिए आप। माता री, कैसा लगा अपन का झटका रे? क्या बोलती पब्लिक, बहुत छोड़ी रे तू? भांजी के साथ मिलके साइड इनकम करती है, खोपचे में दोपचा। बाबू शिवजी की कसम, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बकवास है ये सब, बकवास। ए तू कुछ भी बोल, तेरा भांजा तो यही कर रहा है ना, तेरे नाम पे अखे लखनऊ से पैसा वसूल रहा है। अगर ऐसा है ना तो हम अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। अरे इतने साल हो गए हमारे इस पुलिस की नौकरी में, एक पैसे की तोहमत नहीं लगी हम पर, और ये नालायक गच्चू, हम नहीं छोड़ेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। जी 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 जी, अभी सच पकड़ा गया तो कैसा फटाफट नाटक कर रही है रे? देख, अपने पास अच्छा खासा सबूत है कि ये तुम दोनों की मिली भगत है, इसलिए भी ड्रामा करने का जरूरत नहीं है। पर अभी मैं ये वीडियो भेजेगी तेरी बहू को। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो उनको मत भेजना, वरना तुमको तो पता है वो कैसी शेरनी है, वो खा जाएगी हमें, उनको मत भेजना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी कान खोल के मेरा बात सुन। एक तो 2500 जो घाप करके चुराया था ना मेरे पैंट में से, वो वापस कर, और ये जो रोज का अपना 2500 का रोलिंग है वो शुरू कर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भेज रही वीडियो। उर्मिला कुछ भी कर सकती है, उल्टी खोपड़ी जो ठहरी है, अगर उसने सच में भेज दिया तो। क्या सब पता है हमको, देख लिए हम, उर्मी ने भेजा हमको आपका वीडियो, पर थाने का इज्जत मिट्टी में मिला दिया है आपने। शर्म नहीं आता है क्या आपको ये सब करते हुए? पुष्पा जी, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी ना, मतलब सकल आपका इतना भोला, इतना क्यूट, एकदम गोलगप्पा के जैसा है, और हरकत आतंकवादी वाला। मैडम बताइए। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम इसमें नहीं है, हम तो कुछ जानते भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। रात भर लगाती रहती है ना तो जागी रहती है, तो यहाँ आके सारा सो। कोई बात नहीं पुष्पा जी, हम तो इससे ज्यादा सोते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। रात को थोड़ा कम लगाया कीजिए ना, तो नींद पूरा होगा तो थाना में नहीं सोएंगी। हाँ, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा कुछ। कहाँ पे लगी है सब? आइए मौसमी जूस। अरे नहीं पीना जूस। इस बार छोड़ रही है, अगली बार असली वीडियो भेजेगी। बोल, मंजूर है मेरी शर्त? आज से अपना 2500 डेली वाला डील चालू कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। ये हुई ना बात, 2500 का रोलिंग चालू। 2500 भी थोड़ा कम है रे, पापी पेट इज मांगिंग मोर, कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। वाह उर्मी, चल बन जा हसीना मलिक। The whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया।
ए बाबू चाय रख। क्या सेठ, क्या हाल? मैं आता है। अरे रुको डार्लिंग, बैठो बैठ बैठ बैठ। किधर भाग रहे? कुछ दिखाने का है तेरे को, रुक रुक देख के जा। नहीं वो कुछ काम था। नहीं नहीं बाद में, पुलिस आई ना भी सारा काम बाद में। महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। अभी सीधा हेड कांस्टेबल से बात कराता हूँ तेरी, तब तुझे समझ में आएगा कि किस बात का पैसा। मैं नहीं है। है ना, बिल्कुल तू है नहीं रे। बहुत चढ़ा समझता है तू खुद को। अपनी पुलिस वाली मामी के नाम पे जो है हफ्ता वसूल रहा है, लोगों का पैसा निकलवाता है, बहुत चढ़ा है क्या तू? ए रुक किधर भागता है? मैं तेरे को पकड़ने को नहीं आई है। पकड़ने का नहीं है? नहीं, पार्टनरशिप करने का है। क्या पार्टनरशिप? देख तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है, तू वसूल पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख आधा मैं रखेगी, तू भी खुश मैं भी खुश। मतलब वो जो अभी आपने बोला ना, वो खोपड़ी में ढंग से घुसा नहीं, जरा विस्तार से समझाइए ना क्या कहा आपने। आता मराठी सांगू का तुला। सुन, तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। समझ में आया? आया 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 मैडम। हाँ अबे यार, नहीं बात जो है ना वो हमारे दिमाग में एकदम घुस नहीं रही, इसे जा नहीं रही है। क्या मतलब, आप सच्ची की हसीना मलिक ही हो या कोई और? चल थाने चल। अरे नहीं बड़े बुरा मान गई, मजाक कर रहा था। मतलब अगर किसी को पता लगेगा कि हसीना मलिक भी अपने जैसी है तो झटका तो लगेगा ना मैडम, बस इतनी सी बात थी। चल निकाल आज का कमाई, निकल निकल। आज तो कुछ हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं किसी ने, कुछ कुछ भी नहीं दिया। क्या झूठ बोलता रे चैप्टर आदमी, कल से क्या याद रखेगा तू भी। अबे तो गजब हो गया अबे, अब हमको तो पता ही नहीं था कि हसीना मलिक खुद इतनी बड़ी लिफाफेबाज है। वाह। हसीना मलिक? हाँ हसीना दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों? पता, मैंने ना अपने पापा को कह दिया है कि मुझे बड़े होके ना बिल्कुल आप जैसे बनना है, सब मेरी भी आपकी तरह रिस्पेक्ट करेंगे ना, सब मुझे भी आपकी तरह प्यार देंगे ना, आप मेरे हीरो। लव यू दीदी। ये क्या किया रे मैंने? कितनी इज्जत करते रे लोग हसीना मलिक की, कितना मानते हैं, हीरो है ये छोटे छोटे बच्चों की तो। हसीना दीदी, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? हाँ। पर मैं हसीना मलिक नहीं है, हो भी नहीं सकती, वो किधर मैं किधर, अब इस बच्ची को उसके नाम का ऑटोग्राफ कैसे दूर है बाबा। हसीना के नाम पे ऑटोग्राफ एकदम फ्लो में कैसे दे दिया मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा देवा। थैंक यू सो मच हसीना दीदी, आपने मेरे लिए इतना किया, आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जाओ जाओ, हाँ जाओ पढ़ाई करो। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? उसके लिए आपको ब्रेन का मैकेनिज्म समझना होगा। एक मिनट। अब ठीक है? क्या आपको अपने पास्ट का कुछ याद आ रहा है? जहाँ बेहोश हुई थी वहां कैसे पहुंची, वहां याद करने का कोशिश करो, वहां क्या कर रही थी तुम? तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का,
SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। अगर मैंने इसको गज्जू और अपनी डील के बारे में बता दिया तो ये तो अपना कीमा पाव बना डालेगी रे। नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं बताने का। इससे पहले कि वो हसीना मलिक के नाम पे वो गज्जू हफ्ता वसूली करना शुरू करे उसे रोकना होगा। कुछ याद आ रहा है? देखिए, इनके दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी जी, तुम टेंशन मत लो, तुम कोई बात नहीं, इन्हें घर ले जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है, आप चाहे तो कल सुबह ले जा सकती हैं। नहीं नहीं, मेरे को जाने का, चलो चलो ठीक है। कहाँ जाना है तुमको, कहाँ जाना है? तुम यहाँ ही आराम करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। और हम चीते और संतू को भेज रहे हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, समझे तुम? अरे नहीं, मेरे को चलना, कहीं नहीं जाओगी तुम, आराम करो। कैसे कैसे हम इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं? कैसे हम किसी को पहचानने में धोखा खा सकते हैं? कैसे हम इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अगर ये बात करिश्मा जी को पता चल गई, वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, जिंदगी भर ताने मारेगी, सो अलग। इस गज्जू के बच्चे को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है पुष्पा जी, कहाँ है, इतना परेशान है आप, बताइए हमको। अरे हम हैं ना जी, हम आपका सारा दिक्कत सॉल्व कर देंगे, बोलिए क्या बात है। नहीं कुछ भी तो नहीं, हम ठीक है एकदम। चेहरा पर नकली मुस्कान, आंख में बेचैनी, माथा पर पसीना, विमेन साइकोलॉजिस्ट हैं हम, सब मालूम रहता है हमको। बताइए हमको क्या दिक्कत का बात है, बोलिए बताइए। अरे कहा ना, हम ठीक है, कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलिए पुष्पा जी। नहीं हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। पुष्पा जी, एक तरीका है मेरे पास। पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हो गया? पुष्पा जी क्या बातें, बताओ क्या हुआ? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था पुष्पा जी, करिश्मा मैडम ने भी कहा था, ये आपके फ्रॉड भांजे के बारे में भरोसे के लायक नहीं है। कि बताओ पुष्पा जी कितनी ईमानदार है, इनके नाम पर गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूल रहा है वो। तो भरोसा नहीं हो रहा उर्मिला पर, तो वो भी मतलब कितना ओछा, कितना नीच हरकत कर सकती है, ऐसे ब्लैकमेल कर रही है पुष्पा जी को। हमें तो डर इस बात का है, अगर ये वीडियो करिश्मा जी ने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं पुष्पा जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, जैसे भी हो लेकिन ये वीडियो करिश्मा मैडम तक पहुँचने से पहले मैं उसे डिलीट करूँगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। पक्का ना? इतनी रात को भी ना लोग परेशान किए रहते हैं। हेलो हेलो, अब कौन बोल रहा है? हम हसीना मलिक बोल रहे हैं, हमारी मैडम जी आप बोल रही हैं, पार्टनर? नहीं पार्टनर वार्टनर सब कुछ भूल जाओ, हमने तुमसे जो भी बात कही है सब कुछ भूल जाओ, किसी से कुछ पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ हफ्ता वसूली वगैरह कुछ भी नहीं करना, और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। एक मिनट एक मिनट, तू का था धंधे में पिट्टी पार्टनरशिप? गलती थी मेरी, मजाक कर रही थी मैं, ठीक है? वो सब झूठ था, मजाक था, कुछ भी ऐसा करने का नहीं। अब मजाक तो तुम अब कर रही हो है? अरे सारा जमाना जानता है कि हसीना मलिक ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया ना, उसके बाद वो पीछे हटती नहीं है, ठीक है? और तुम जो कोई भी बोल रही हो ना, इस वक्त हमको बेवकूफ बना रही हो। अब तुम हसीना मलिक हो ही नहीं, और तुम्हारे ऐसे लफंडरों के चक्कर में हम पड़ने वाले भी है नहीं, इसलिए फटाफट फोन रखिए और निकल लीजिए। अबे सुन, मैं हसीना मलिक, अरे यार उसको वीडियो कॉल करती हूँ तभी इसको समझ में आएगा। कैसी हैं? अरे आगे तुम लोग, मैं मस्त एकदम टकाटक। बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं तो मेरे पास है इलाज, ताश लाए, ताश खेलते बोरियत खत्म हो जाएगी। अबे पत्ते के ला जा। बिल्लू जी उठिए, आराम करने दीजिए, इन्हें सोने दीजिए।
अरे मेरे को नहीं सोने का है, मेरे को पत्ते खेलने का है। नहीं नहीं, सो जाओ और ये मोबाइल दूर रखो। चल चल बकवास मत कर, फोन दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपको सोना है, आराम करना है। मोबाइल मोबाइल नहीं, बिल्कुल कहीं को तोड़ा। मैं आपको बताती हूँ, वो पुष्पा जी का वीडियो डिलीट करना था ना, इसलिए ये सब करना पड़ा। मोबाइल में से वीडियो डिलीट करना था तो मुझे बोल देते, मैं डिलीट करती। फोन कहीं के लिए तोड़ा मेरा। एक्सक्यूज मी। हाँ चाचा। क्या हो रहा है ये सब? सारे मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। जाइए आप लोग, जाइए यहाँ से। हाँ जी बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका फोन ठीक करवा के वीडियो डिलीट करके आपको वापस दे देंगे। ठीक है? हाँ ठीक है जाओ। अरे चल, अरे चल ना यार, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक है, मेरे को आराम नहीं करने का, मेरे को किधर जाने का है, इसलिए मेरे को फ्री करो। नर्स आए। अरे लेटा ही इनको, लेटा ही। अरे यार जबरदस्ती है। अरे अब कैसे रोकूं मैं उस गज्जू को, फोन कैसे करूं? जो भी हो मेरे को उसका रोकना होगा। वो हसीना मलिक के नाम पे पैसा ले, उसके पहले मेरे को उसको रोकना हो। पुष्पा जी, आपसे प्रॉमिस किया था ना मैंने, करिश्मा मैडम तक ये वीडियो पहुंचने से पहले उसे मैं डिलीट कर दूंगी। कर दिया। करिश्मा मैडम को पता चले ना चले, मगर आज हमें एक बात पता चल गई कि हम कितने गलत थे। पुष्पा जी, यही तो बात है जो आपको इतना स्पेशल बनाती है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना गिल्टी फील हो रहा है? आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, आप खुश रहो, करिश्मा मैडम को कभी पता नहीं चलेगा इस बारे में। ओके, आई लव यू। अम्मा कहाँ कर रही हैं? खाना खाने का टाइम हो गया है, खाइए, चलिए चलिए खाना खाते हैं। नहीं तुम खा लो, हमें भूख नहीं है। अच्छा, वैसे तो बवाल मच जाता है खाना रेडी नहीं होता है, तो आज जब रेडी हो गया तो फिर अभी भूख। हमने आपके भांजे को बुरा भला बोला, उसके लिए आप गुस्सा हो गई हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया हम क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। चलिए आपका भांजा महान है, खाना खा लीजिए। नहीं वो बिल्कुल महान नहीं है, एक नंबर का नालायक और घटिया इंसान है वो। हमारे नाम पर वो लोगों से हफ्ता वसूल कर रहा था। क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अबे ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो बे? पैसा निकालो पैसा। अबे जानते हो ना ये पैसा कहाँ जाता है? हसीना। अबे भाभी जब इंसान का समय खराब होता ना तो वैसी उड़ते तीर लेता है, समझ रहे हो हमारी बात को? अरे ये बम का गोला इधर कैसे आ गई रे? इसको मालूम पता चला तो सबसे पहले मेरे पे ही फटेगी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन दो नामों के आगे बेईमान लगाने का? कैसे लिया तुमने हमारी सासू मैया का नाम और महिला पुलिस थाने का नाम? एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये गज्जू चटक चाँदने के डर से डील के बारे में बता ना दे। अब हम तुमको बताते हैं कि जब कोई किसी के ईमानदारी और आत्मसम्मान पर काले पोतता है ना, तो उसका हम का हाल करते हैं। मैया की सासू मैया। अरे लगेगा चाहिए तुम्हारे जैसे घटिया। अरे मामी गलती हो गई। अपने गंदे मुंह से हमें मामी मत कहो, बिल्कुल मामी मत कहो। हमारे लल्ला की तरह हमने तुमसे प्यार किया और तुमने ये सिला दिया हमारे प्यार का। सब कह रहे थे हमें कि तुम पे भरोसा ना करें हम, मगर किसी की नहीं सुनी, हमने तुम पर अंधा भरोसा किया। और तुम बता किसके किसके कहने पर तुमने किया? ये वो इसी के कहने पर किया था मैंने। ये इन्होंने कहा था हमारे नाम पे हफ्ता वसूलो, रंगदारी करो, 50% की पार्टनरशिप हुई थी हमारी। तुम मैडम सर, अरे ये झूठ बोल रहा है, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, मैं ऐसे कुछ बोली नहीं। एक बात बताइए भाभी कि कोई भी आदमी इतने बड़े अफसर का नाम यूं ही इस्तेमाल कर लेगा? हसीना मैडम, आप पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच हैं? आप लोग भी सुनिए, इनकी परमिशन से ही हम सारा हफ्ता वसूले, सब कुछ किए हैं। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ भाई क्यों होगा, हम अपनी बात का सबूत देंगे और जरूर देंगे। सबूत है? है तो कब दिखाओगे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या सबूत है दिखाओ? दिखाते हैं ना। देख
तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है, तू वसूल पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख आधा मैं रखेगी, तू भी खुश मैं भी खुश। सुनिए आप लोग भी सुनिए सब। तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप SHO हसीना मलिक लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी हफ्ता वसूली में शामिल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.